चलिए यूरोप में कुछ और महत्वपूर्ण कंट्रीज हम लोग देखते हैं, ग्रीस। ग्रीस का आप लोग थोड़ा सा मैपिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही हिस्टोरिकल कंट्री। तो ये सबसे पहले हम लोग इस मैपिंग में देखते हैं वाटर बॉडी, यहाँ है आयोनियन सी, मेडिटेरियन सी, एजियन सी, ठीक है, ये तीन वाटर बॉडी से घिरा हुआ है तीन तरफ से, इसे एक पेनिनसुला है। फिर इधर कौन कौन से लैंड बॉर्डर कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर बनाता है, टर्की, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और अल्बानिया, ठीक। यहाँ एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पाया जाता है, पिंदस माउंटेन, ठीक, ये वाला इलाका इसका कहलाता है मैसेडोनिया। ये यहां पर एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका मतलब है माउंट ओलंपस, जो कि ग्रीस का सबसे हाईएस्ट पीक है, 1929 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये उसकी कैपिटल है एथेंस, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल और एंशियंट सिटी है। ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड का बड़ा प्रोडक्शन नाम है, नो नीड टू नो, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है स्पार्टा, ठीक है। तो ये बस इतनी जानकारी, आप थोड़ा सा मैपिंग देख लीजिएगा, ये उसी का एक भाग है, क्रेटा आइलैंड, रोडे आइलैंड, ठीक है, और भी छोटे छोटे कई आइलैंड हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड। इतनी मैपिंग आप थोड़ा सा कर लेंगे। कुछ और जानकारी देखते हैं, ग्रीस को हेलेनिक रिपब्लिक भी कहा जाता है, हेलेनिक रिपब्लिक, 80% माउंटेनियस, यहां भी माउंटेन है, यहां भी माउंटेन है, और भी कई जगह माउंटेन है इसमें, तो 80% ग्रीस जो है वो माउंटेनियस है। क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो ग्रीस है बहुत ही प्राचीन सिविलाइजेशन यहां पर, जिसको ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी सभ्यता कही जाती थी, वो यहां पर विकसित हुई, इसलिए ये जो है ग्रीस पश्चिमी सभ्यता का जन्मदाता माना जाता है। इसके अलावा जो बर्थ प्लेस है ग्रीस, ग्रीस को हिंदी में यूनान कहते हैं, तो बर्थ प्लेस है यूनान किन किन चीजों का, डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं, ठीक है, अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी बात करेंगे तो आएगा अमेरिका, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो आएगा यूके, ठीक है, डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात आएगी तो एथेंस यानी कि ग्रीस, ठीक है। चलिए, तो डेमोक्रेसी, वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिमी जो फिलॉसफी है, संसार में दो ही प्रकार की फिलॉसफी चलती है, ईस्टर्न फिलॉसफी जिसका जन्मदाता भारत है, और दूसरा वेस्टर्न फिलॉसफी जिसका जन्मदाता ग्रीस है। वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न ड्रामा, ठीक है, ये ड्रामा में शेक्सपियर वगैरह जितने आ जाते हैं, तो लिटरेचर, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न ड्रामा, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं, सिटीजनशिप क्या है, राइट क्या है, जस्टिस क्या है, ये तमाम जो फिलॉसफी है, ये उत्पत्ति इसकी ग्रीस से हुई। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में, पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति भी जो है वो कहां से हुई है, ग्रीस से हुई है, पॉलिटिकल साइंस की भी हुई है और जियोग्राफी की भी हुई है, बहुत सारे सब्जेक्ट का जन्मदाता है ग्रीस, ज्योग्राफी का जन्मदाता भी है, मेडिकल साइंस का भी जन्मदाता, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, ठीक है, कुछ चीजें मैं लिख नहीं पाया हूं, आप ध्यान रखिएगा, तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जियोमेट्री, हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस, जियोमेट्री, एलजेब्रा, ये तमाम चीजों के फाउंडर और जन्मदाता ग्रीस है, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री लेखन, कि किसी देश का, किसी राजा का, किसी जगह का इतिहास लिखना चाहिए, इसकी शुरुआत भी जो है यहां से ग्रीस से होती है। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत ग्रीस से होती है। हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट एक मूर्तिकला बनाने की जो शैली होती है, जिसको हम लोग अपने भारत में गंधार शैली कहते हैं, उसका जन्म भी ग्रीस से हुआ। अलार्म क्लॉक, अलार्म वाली जो घड़ी होती है। कार्टोग्राफी, चित्र बनाने यानी मानचित्र बनाने की कला, कार्टोग्राफी का विकास ग्रीस से हुआ। जियोमेट्री, ऑडोमीटर, ऑडोमीटर माने वो जो जिसमें व्हीकल की स्पीड मापी जाती है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ऑडोमीटर लगा होता है, पता चलता है 60 की स्पीड में, 70 में। मेजर प्रिंसिपल ऑफ मैथ्स एंड साइंस, इसके अलावा गणित और विज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत यहां पर यूनानी सभ्यता से, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी का जन्म भी यहां से हुआ, बहुत सारी चीजों का जन्म जो है वो ग्रीस से हुआ है, ठीक है। अब ये कंट्रोवर्शियल बात है कि यूनानी लोग इसको कहां से सीखे, ये उनकी खुद की थी, ठीक है, कुछ कहते हैं कि ये भारत से सीख करके ये सारी चीजें, लेकिन अभी तक जहां तक जो बातें आती हैं, ठीक है, वो तमाम बातें हम लोग यहां पर जो है यूनान को इसका क्रेडिट देते हैं। कुछ फेमस पर्सनालिटीज, इनकी भी लंबी छोटी लिस्ट है, ठीक है, पर कुछ खास खास हम लोग देखते हैं। सोक्रेट्स, सुकरात जिसको हिंदी में कहते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल जिसको अरस्तु कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है,
और ये जो चार है शुरू के, ये एक दूसरे के मतलब हर बाद वाला पहले वाले का गुरु है। यानी सोक्रेट वाज द टीचर ऑफ प्लेटो, प्लेटो वाज टीचर ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल वाज टीचर ऑफ अलेक्जेंडर। तो ये गुरु शिष्य की चार श्रृंखला है। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, उत्प्लावन फ्लोटेशन का सिद्धांत। यूक्लिड, यूक्लिड को ज्योमेट्री का फाउंडर कहते हैं, ठीक है। हालांकि ज्योमेट्री के प्राचीन हमें साक्ष्य जो है अपने जो अथर्ववेद वगैरह में हमें मिलते हैं, ठीक है, पर है यूक्लिड को आधुनिक ज्योमेट्री के जन्मदाता। हिप्पोक्रेट्स एक पोएट थे, इसके अलावा ये फिजिशियन भी थे, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के जानकार। होमर ये पोएट थे, पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, मैगस्थनीज और नियार्कस ये दोनों एक्सप्लोरर थे और ये दोनों भारत आए थे, ठीक है। मैगस्थनीज भारत आया था जिन्होंने अपनी किताब इंडिका लिखी है, नियार्कस भी भारत आया था, ठीक है, ये एक्सप्लोरर थे। सेल्यूकस निकोटर अलेक्जेंडर के साथ आया था, ठीक है, और लंबे समय तक भारत में रहा, काबुल कंधार वाले रीजन पे वो जो है राज करता था, पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित किया। उसी की बेटी से फिर चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई, ठीक है। एलेक्सीमेंडर ज्योग्राफर थे, थेल्स मैथमेटिशियन थे, टॉलमी ज्योग्राफर थे, स्ट्रैबो ज्योग्राफर थे, ये तमाम महान शख्सियत, और भी इनकी लिस्ट बहुत लंबी है पर इतनी हम जानकारी जरूरी है। इसी के साथ हम ग्रीस का चैप्टर यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब थोड़े छोटे से कंट्री बचे हैं, उनके बारे में दो दो तीन तीन बातें अगर कुछ है तो हम लोग जानते हैं। स्लोवेनिया, अगली कंट्री है स्लोवेनिया, इसकी कैपिटल है लुब्जाना, इसको लुब्जाना पढ़ते हैं, ठीक है, LUBLJANA। इसमें माउंटेन है जूलियन आल्प्स और दिनारिक आल्प्स, ये दो माउंटेन स्लोवेनिया में पाया जाता है। थर्ड मोस्ट फॉरेस्टेड कंट्री ऑफ यूरोप आफ्टर फिनलैंड एंड स्वीडन, यूरोप का तीसरा जब सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड कंट्री है फिनलैंड और स्वीडन के बाद। कास्ट टोपोग्राफी इज फाउंड ऑन इट्स साउथ वेस्टर्न पार्ट, इसके दक्षिण पश्चिम भाग में कास्ट टोपोग्राफी लाइमस्टोन माने चूना पत्थर से बने हुए टोपोग्राफी पाए जाते हैं। अगला सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, बाकी इसके बारे में कुछ नहीं जानना, केवल मैपिंग करनी है इसके आस पड़ोस के देश कौन कौन से। फिर अगला जो है सर्बिया में कौन कौन सी चीजों की डिस्कवरी हुई, हेयर क्लिप की डिस्कवरी हुई और अल्टरनेटिव करंट एसी की खोज सर्बिया से हुई और रिमोट कंट्रोल की खोज सर्बिया से हुई। ये तीन इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज सर्बिया कंट्री की है। फेमस पर्सनालिटीज निकोल टेस्ला, एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने अल्टरनेटिव करंट की खोज की। जल विद्युत कैसे पैदा करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट करते हैं, उसकी थ्योरी उन्होंने दी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि उन्होंने बनाया, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने दी है, तो बहुत सारे इनके वो हैं। इसके अलावा नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये टेनिस प्लेयर है, अभी जिंदा है, निकोल टेस्ला गुजर चुके हैं। तो ये हो गया सर्बिया। अब हम देखते हैं सैन मैरिनो, सैन मैरिनो वन ऑफ द ओनली थ्री कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू बी कंप्लीटली इंक्लोज्ड बाय अनदर कंट्री। सैन मैरिनो आपको याद होगा जब हम इटली पढ़ा रहे थे तो छोटा सा गोला बनाए थे सैन मैरिनो, कहने का मतलब यह है कि सैन मैरिनो दुनिया के तीन देशों में से एक है जो किसी देश के भीतर स्थित है, ठीक। तो ऐसे दो और कौन है, एक है वेटिकन सिटी जो इटली के भीतर एक कंट्री है, दूसरा है लेसेथो जो कि साउथ अफ्रीका के भीतर एक कंट्री है, और तीसरा है सैन मैरिनो जो कि इटली के भीतर एक देश है, ठीक है। तो देयर आर ओनली थ्री कंट्रीज विच आर इनक्लोज्ड विद इन अनदर कंट्रीज। रोमानिया, रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट, ठीक, इसका थोड़ा सा मैपिंग कर लीजिएगा। बेलारूस, बेलारूस की कैपिटल मिंस्क, कैपिटल भी है और इसके अलावा वो हेडक्वार्टर है सीआईएस का, सीआईएस माने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक, जो यूएसएसआर के विघटन के बाद 15 देश थे उनका संगठन बना था। इसका निकनेम, इसको व्हाइट रसिया, बेलारूस को व्हाइट रसिया के नाम से या व्हाइट रूस के नाम से, सफेद रूस इसको कहा जाता है। इसी के साथ ये कुछ देश हो गए, मैपिंग जरूर सबका देख के करते चलिएगा। और एक होमवर्क लिख लीजिए, मैं यहां लिख नहीं पाया हूं, आपको ध्यान रखना है, होमवर्क ये है, हाउ मेनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन, इन यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में कुल 48 देश है, उनमें से कितने लैंडलॉक्ड कंट्री है उसकी लिस्ट बनाइए। जैसे सर्बिया लैंडलॉक्ड है, ठीक है, रोमानिया भी शायद लैंडलॉक्ड है, चेक रिपब्लिक लैंडलॉक्ड है, तो ऐसे कितने कंट्रीज लैंडलॉक्ड है उनकी आप लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा ये मैपिंग करते हुए आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ अगर थोड़े मोड़े और एक दो देश बच गए हैं, थोड़ा सा मोंटीनीग्रो, ऐसे कुछ और एक दो देश के बारे में दो दो चार चार इन्फॉर्मेशन जो जरूरी होगी वो फटाफट बता के हम लोग आगे गुजरेंगे। और इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट
ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोप कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन क्या है, CIS क्या है, ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो यूरोप के देशों से संबंधित है। ठीक है, थैंक यू।